जामनन ने कहा जो कम शब्द बोलेगा उसी का सिलेक्शन होगा। एक लड़का आगरा का आया, उसने कहा श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ? एग्जामिनर ने कहा शब्द ज़्यादा कम करो। एक लड़का हाथरस का था, उसने कहा मैं आई कम इन सर। एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे भी शब्द ज़्यादा हैं। लेकिन एक लड़का ही मथुरा का था, उसने कहा घुसी, उसका सिलेक्शन हो गया। तो मैं प्रणाम करता हूँ, एक शेर पढ़ता हूँ। प्यार मोहब्बत के बहुत से शेर पढ़े गए, एक शेर मैं भी पढ़ता हूँ। रूबिया जी, प्यार मोहब्बत पे आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। क्या बात है, हमारे सामने कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं, ऐसा नहीं कि ये प्यार मोहब्बत नहीं कर सकते। ये बुजुर्ग आदरणीय है लेकिन विश्वसनीय नहीं है। कि न जाने जिंदगी की किस गली में आबरू नीलाम हो जाए, इन बुजुर्गों का क्या भरोसा कब कौन आसाराम हो जाए। हाँ, तो इसलिए जो है थोड़ा संभल के रहना चाहिए। हाँ, प्यार मोहब्बत के नाम पे चार पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ। ये मनोज जी ने सही कहा कि प्यार मोहब्बत हमको सूट नहीं करती, कि मोहब्बत में मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए, और माशूक की शादी हो गई दो दिन लेट हो गए, और वो आज भी लग रही है ताजमहल, एक हम है कि फैल के चाइना गेट हो गए। हाँ, तो इसलिए प्यार मोहब्बत हम हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन चूंकि प्रेम की नगरी है, यहाँ पे मैं आया हूँ तो प्यार मोहब्बत के लिए कुछ पंक्तियाँ और पढ़े देता हूँ। कि प्यार का, अभी वो एकता कह रहे थे कि अटारी पे दीपक जलाऊंगे, अब आजकल दीपक कौन जलाता है। कि प्यार का बल्ब, सुनिए राजकुमार जी, कि प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए, लाइन इंगेज है तो होने दो, फोन नंबर मिलाए रहिए, आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए, और दिल अगर टूट भी जाए कंकाल तो फेविकोल से चिपकाए रहिए, प्यार का बल्ब जलाए रहिए, आप लोग थोड़ा बहुत तालियां बजाए रहिए, ताकि हमको विद्युता का भ्रम बना रहे। देखिए क्या होता है, अभी मनोज जी बता रहे थे सपत्नी आए थे और वो निकल लिए, और इनको भी नहीं सुना, हमको भी नहीं सुनी। तो देखिए कभी कभी क्या होता, जब आदमी अकेला होता तो कोई नमस्कार नहीं करता, लेकिन जब बीवी के साथ होता तो दुनिया दौड़ दौड़ के नमस्कार करती। अरे भाई मधु भाई नमस्कार, कंकाल जी नमस्कार। एक कविता वहीं से पढ़ता हूँ। स्वागत है। कि एक दिन मैं सपत्नी बाइक से जा रहा था, एक दिन मैं सपत्नी बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था, इतने में एक गधा आया, मैं बाइक से हिट टकराया, और हम दोनों नीचे आ गए, दो मुंह मिट्टी खा गए, 10-12 लोग दौड़े और मेरी पत्नी को उठाया, बहन जी कहाँ चोट लगी, हमदर्दी जिताया, मैं दर्द से बिलबिला रहा था, मेरी मदद करो चिल्ला रहा था, मैंने कहा अरे नालायकों बहन का ही दुख दर्द मिटाओगे, और जीजा जी मरे पड़े इनको कब उठाओगे। तो ये स्थितियां हैं आजकल समाज में, सब कुछ बदल गया, हास्य तो कहीं से भी निकल सकता है, कहीं से भी निकाला जा सकता है। अब जैसे ये है कि भी सरकार ने एक न्यूज़ निकाली कि सरकार ने विधवा पेंशन की रकम बढ़ाई, तब से मेरी पत्नी हमको घूर रही है, दो लाइन में व्यंग हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक कविता मैं और पढ़ता हूँ भाई, चूँकि ये ब्रज है, भगवान कृष्ण की धरती, मेरा मन मैं गा तो नहीं पाता हूँ, जैसे कि अभी बहुत अच्छा गा के गई रूबिया जी, अगर मुझे डर है कि अगर सांस खींच दिया न लौटे तो। हाँ, तो इसलिए पता लगे हमारी श्रद्धांजलि भी कार्यक्रम होने लगे। तो मैं एक सावन में, अभी मल्हार आप लोगों ने सुना, कजरी भी गाई जाती, लेकिन मैंने कजरौटा लिखा, उसमें कुछ अवधि के भी शब्द आ गए, वो सुनिएगा। स्वागत भाई साहब। हाँ सौरभ कांत जी आप आ गए, देश के बहुत बड़े ओज के कवि हैं। हाँ, लेकिन सौरभ भैया आज आपने ओज नहीं पढ़ा, बोझ हो गया था। नहीं, बोझ क्या हो गया था, आप देश के इतने बड़े ऊंच के कभी, लेकिन ज्यादा देश का टेंशन न पाला करो, देश तीन ही लोग चला रहे हैं, मोदी जी चला रहे हैं, योगी जी चला रहे हैं, अभी हम खुद जिंदा। हाँ, तो देश की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए मैं वो कजरौटा की 4-6 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत भैया। इस बार बारिश कम हुई है, और बारिश न होने से हमारे किसानों को हमारी फसलें जो है काफी निराशाजनक स्थिति हो गई है, उसी पे कुछ पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ और गा के पढ़ता हूँ, जबकि मैं गा नहीं पाता हूँ। स्वागत भैया। कि अब के बरस नहीं बरसे बदरवा, बरसत नैना हमार रे, सावन ना मन भावन लागत, मेघा भये गद्दार रे।
ये कजरौता हमने लिखा, और इसमें जो गरीब किसान है उसकी क्या स्थिति है। आप लोग तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं, क्या हम बताएं, जैसे लाई की बोरी रखी है। थोड़ा सा तालियां बीच बीच बजाते रहो तो हमें लगे। और इसकी अगली पंक्तियां पढ़ता हूं कि छापा के डर से सब झोला छपवा, डॉक्टर भय है फरार रे, अब हम काको दे दवाई, अजिया के चढ़ेगा बुखार रे। ये हमारे बीच की स्थितियां हैं। मैं समझ रहा हूँ समय कम है और समय की सीमा में हम भी बंद के काय पाठ करना चाहते हैं। एक दो छोटे छोटे व्यंग में पढ़ के अपना स्थान लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी कवियों को भरपूर समय मिल जाए पढ़ने के लिए। महंगाई के ऊपर मैंने एक व्यंग लिखा था, वो सुनिएगा कि मैंने कहा प्रिय तुम्हारे लिए ला सकता हूँ नैनो गाड़ी, या कहो खरीद के लाऊं बनारस से साड़ी, या कहो घुमा लाऊं खंडाला, या कहो दिखा लाऊं आगरे का ताज। पत्नी डोली घुड़क के बोली, हे डेढ़ हड्डी के पहलवान सुनिए श्रीमान, हे डेढ़ हड्डी के पहलवान सुनिए श्रीमान, ज्यादा न हल्ला मचाओ, अगर औकात है तो 5 किलो नींबू ले आओ। तो ये स्थितियां हैं। और एक और सुनिएगा, हमारा शरीर 5 तत्वों का बना है, लेकिन मोदी जी ने एक तत्व और बढ़ा दिया, आधार कार्ड। वो उस पर मैं पढ़ता हूँ, कोई आलोचना की बात नहीं, बस केवल मस्ती में रही और आराम से सुनिएगा कि एक दिन मैं हेयर कटिंग सैलून में गया और नाई से कहा जल्दी से मेरी दाढ़ी बनाओ। उसने कहा बाबूजी पहले आधार कार्ड दिखाओ। मैंने कहा दाढ़ी से आधार कार्ड का क्या संबंध, क्या यहाँ भी सरकारी प्रतिबंध। वो बोला बाबूजी आप कहाँ तक भागेंगे जब सुलभ शौचालय वाले आधार कार्ड मांगेंगे। और एक यजमान तो इतना घबराया, पंडित जी के पास आया, बोला पंडित जी मेरे पितरों का कैसे हो पिंडदान, कैसे हो उनका कल्याण। पंडित जी ने कहा आधार कार्ड को गंगा जी में बहाओ, इस प्रकार अपने पुरखों को पितरों